दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंस स्टूडियो भवानीगढ़ सुगर रोड महाराजगंज जिला रायबरेली। सभी शुभ अवसर पर ग्राफिक के लिए संपर्क करें प्रिंस स्टूडियो। देखते रहिए फनी मंजल। आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगू आपके लिए लेके आया हूँ रंगारंगकार को, जिसके प्रस्तुत करता है थिएटर संगीत कंपनी कमेला चौराहा हैदरगढ़ बाराबंकी, जिसके प्रोपराइटर हैं रामदत्त मौर्या, मैनेजर श्री गुड्डू ढोलक मास्टर, ग्राम हडगवा पोस्ट कमेला जिला बाराबंकी। हमारे सभी संगीत प्रेमी भाइयों से अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर, कमेंट और अपना सुझाव जरूर दें। देखते रहिए फनी मंजल लाइव, बजाते रहिए फनी मंजल लाइव यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामने कोई लड़की जा रही है, लगता है अंजू की बहेलिया तो नहीं है। आज दुर्गन की बहेलिया ही है और उसका नाम अंजू है। आज मैं अंजू से बात करूंगा, प्यार भरी बात जरूर करूंगा, और किसी दिल पे छाने तो दिल चाहता है। राजेश क्या दाती, राजेश तुम कहाँ हो? याद आ रही है ओ तेरी याद आ रही। अरे कहाँ पहुँचवा, कहाँ? अरे तुम यहाँ कहाँ? अरे मुझे तो बंदर का चालक का ऊपर कहीं का क्या लेना। अरे अगर तुझे जान कहना है तो बहन बेटी कहो जान, मैं तुम्हारी जान नहीं लगती। मेरी जान तुम्हारी जैसी हो रही है क्या? हाँ मेरी जान। अरे पहले अपनी शक्ल देखो। अरे मेरी शक्ल से क्या लेना देना है? मेरे काम बहुत ऊंचे है, काम बहुत घटिया है। सकल बना जाओ, श्री जी के दातन पर जाओ। हमें छोड़ के जाने दी। अरे मेरी जान। अरे क्या देख रहा है? अरे मान जाओ मेरी जान। अरे कमीना कुत्ता भरवा कमीना। अगर सीधे साधे तुम नहीं मारोगी तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। तू चिपका है के ऊपर। तूने इसके पोजीशन ढीला किया। गंगा हमारी खता।
ऐसी गलती नहीं करेगा, तुझे माफ कर दूं। वहां से दबाओ, ऊपर जा, तुझे ऊपर वाले माफ करेंगे, ये धक्का तुझे नहीं माफ। ये बताओ, जंगलों में अकेले तुम क्या कर रही थी? दीदी, मैं अपने राजेश को ढूंढ रही हूँ। अरे भाभी, प्यार राजेश कहाँ पर है? देखो भाभी, तुम कोई नादान नहीं हो, एक जंगलों में तुम्हें कहीं राजेश मिलेगा। भाभी, आज की बात एक जंगलों में आओगी तो कोई सहेली लेकर के आना चाहती है। आज के बाद अकेली नहीं आओगी। तुम्हारे यहाँ नहीं सहेली रही तो कौन नौकरी लो तू? कहो वक्त का हम हो, दीदी आ गए तुम्हार जान बचा लेना। अब अबा हम पंचे नाइट बिना रसरी के झलवा झलूते ही तुम। दीदी, अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी। ठीक है भाभी, जाओ इज्जत के साथ अपने घर। अकेली मुझे टहलती हुई नजर नहीं आओगी। दीदी जाओ, अब मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ दयालु, तेरा अंतिम दिन का समय आ रहा है। कहीं तुझे मौत के पर पोजीशन न घट। मैंने राजेश को गंगा के पीछे लगा दिया है, वो राजेश गंगा को गिरफ्तार करके आता ही है। ये श्री गोपाल, बताइए क्या जितना हम तुमको इतनी रिश्वत दिया, क्यों नहीं लेकिन गंगा गिरफ्तार क्यों नहीं होती? जमींदार साहब, मैंने राजेश को गंगा के पीछे लगा दिया है, वो गंगा कहां भाग कर जाएगी? राजेश उसे गिरफ्तार करके जरूर आएगा। यशी गंगे राजेश के हाथ से गिरफ्तार होगी क्यों? क्यों नहीं, ये सिर्फ तुम कहते हो। गंगा को राजेश गिरफ्तार क्यों नहीं करता वो? मेरे ठाकुर साहब, मुझे तो मालूम नहीं है कि आखिर राजेश गंगा को गिरफ्तार इसलिए नहीं करता कि गंगा राजेश की बहन है। ऐसी बातें कब हो ठाकुर साहब? जब तक राजेश जिंदा रहेगा तब तक गंगा कभी गिरफ्तार नहीं हो सकती। तुम सत्य कहते हो, लेकिन वो एक पुलिस अफसर है, एक पुलिस अफसर का खून कैसे पड़ सकता है? देखिए ठाकुर साहब, ये मेरे बस की बात नहीं है। यशी राजेश को मारने के लिए 1,00,000 रुपये अगर ये मंजूर नहीं है तो दयालु सिंह वादा करता है कि राजेश को मारने के बाद ये हवेली तुम्हारे नाम कर देंगे। समझे काम हो तो हम चलते हैं। कल 10 बजे तक या गंगा पकड़ी जाए या राजेश मारा, आप बेफिक्र होकर हवेली में आराम करिए। राजेश मेरे हाथों नहीं बचेगा।
राजेश को मैं मारूंगा और इल्जाम गंगा पर लगेगा। तो हम कहते हैं राजेश के मौत राजेश। चलिए कहावत ऐसी ही है, जिसका पाप उसी का पाप। गंगा और राजेश दोनों बहन भाई हैं। राजेश गंगा को गिरफ्तार नहीं करेगा। राजेश को मैं गंगा के पीछे लगाता हूँ और मैं खुद राजेश के पीछे लग जाऊंगा। एक हिस्सा ना कैसे बचता है। सत्तर के पालवा, तुम राजेश को मानने के लिए गंगा के पीछे लगाओगे और वक्त पाकर तुम राजेश को मारोगे, लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। अभी जा रहा हूँ, ये बात अपने सरदार जी से बताता हूँ। पत्थर गोपाल, तुम्हें रास्ते में खत्म करवाया तो मेरा नाम खबरीला ना मालूम आज क्या बात है। अभी खबरीलाल कोई खबर नहीं लेकर के आया। सरदार जी जय भगवान जय। हमारी की खबरीलाल कहो क्या खबर लेकर के आया। सरदार जी, इस वक्त इंस्पेक्टर राजेश तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे गिरफ्तार करने के लिए खड़ा है। क्यों नहीं? और जमींदार दारू सिंह इंस्पेक्टर गोपाल को अपनी हवेली नाम में दे दिया है। क्या? वो किसकी लालच में? वो इसकी लालच में, जिस वक्त तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर राजेश तुम पर वार करेगा और पीछे चुप चुपके से आने से इंस्पेक्टर गोपाल तुम्हारे भाई पर गोली चला देगा। ऐसा नहीं हो सकता है भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। उस कभी देंगे दयालु सिंह ने मेरे भाई को मारने के लिए अपनी हवेली और 5,00,000 रुपये इंस्पेक्टर गोपाल को नाम किया। सरदार जी जल्दी करिए, नहीं तो हो सकता बड़ा अनर्थ हो जाए। लोग चिंता मत करो भीमा, सभी ने गोपाल की मौत पर रास्ते में उनकी चार की भगवान जय राम भवानी। मुंशी रामदास किशोर आओ, गंगा का पीछा करते हैं। गंगा अभी तक एरेक्ट नहीं हुई है। अगर गंगा एरेक्ट ना हुई तो ईश्वर जी की तो ही राजेश, ये बताओ गंगा तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? सर बस 24 घंटे का मोहलत मुझे चाहिए। गंगा अवश्य देखो राजेश, गवर्नमेंट का सख्त आदेश है, अगर गंगा 2 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं हुई तो आपका आप और आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं नहीं सर, इसलिए जाओ जैसे भी हो सके गंगा को अरेस्ट करो। अच्छी बात। वाह, एक तीर गोली सर, हमारी तो पुरानी ही कहावत है। मान ले के लिए कितना रुपया लिया? बोल। अरे गंगा रुको 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 रुको, आज गंगा तुमका करी है नंगा। गंगा तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। बता बता तो मैं छोड़ दूंगी। ठाकुर दयालु सिंह ने राजेश को मारने के लिए 1,00,000 रुपया और हवेली इनाम दे दूंगा। मेरे भाई को मारने के लिए 1,00,000 रुपया और हवेली। तेरी इतनी हिम्मत कभी दे कि मेरे भाई को मारने के लिए तेरी इतनी औकात हो गई कि जमींदार की हवेली और 1,00,000 रुपया। तेरे भाई को खाया
कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, मगर तूने रुपये की लालच में मेरे भाई। देखो देखो बेटी कहता मैंने उससे वादा कर लिया, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर हमारे सर के मारूंगा, उसे नहीं मारूंगा। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर वाले ने आकर कोई चीज नहीं तो कानून के हिसाब से अगर सोचते हैं तो पुलिस वाले का फर्ज यही होता है वार करने चलते हैं तो बर्ती की कसम खा के चलते हैं। इसलिए तुमने मेरे भाई को मारने के लिए तुमने हवेली 1,00,000 रुपये लिए और कहते हैं पट्टा है उसे मैं मारूंगा नहीं। ये मैं उसे नहीं मारूंगा क्योंकि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और वो भी एक पुलिस ऑफिसर, मैं उसे क्यों मारूंगा। मानने के लिए तैयार हो जा, अगर तुझे आज में बरस किया तो कल मेरे भाई का खून कर देगा। कमीने को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ शत्रु गजब हुआ साहेब, उस गंगा ने इस साहब का भी खून कर दिया। अच्छा किया क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मुंशी रामलाल। लेकिन साहब की रात को वो चुना सब चले भेज दो गंगा यही कह। साहेब एसपी साहब का बारिश का बहुत कमारी हवा पा रही, हमारे यहाँ ट्रांसफर करा दो, हम कटना चले जाए आ जाएगा।
लेनी कटला बोलते हैं उसे। हमारे मरने के प्लान नहीं है, वो मरने का प्लान नहीं है। एस पी साहब के राज के पोस्टमास्टर के लिए भेजो और मेरे साथ आओ। कमीने दयालु, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, आज मैं तुझे मौत के घाट बहन गंगा, आखिर तूने वही किया ना जो हम नहीं चाहते थे। मैंने आपको बात मना की, मगर आपने मेरी बात एक नहीं मानी, इसलिए अनजान में आपके हाथ में गोली लगी गई। भैया मैंने आपके साथ तो गोली नहीं मारी हूं भैया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे राम दयाल हथ खड़ी ला गंगा, उचित तैयार कर। मैंने कसम खाया था कि एक ना एक दिन मैं तुझे जरूर अरेस्ट करूंगा। आज वो दिन है बहन, आज भी रख से अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अभी मेरा एक दुश्मन कितना है, उस दुश्मन को इस दुनिया से मिटा दूं और कानून के हवाले अवश्य हो जाऊंगी भैया। मगर मेरी अधूरी मंजिल मुझे पूरी करनी है, तो भैया मैं खुशी खुशी से आपके पास आ करके मैं कानून के हवाले साबित हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। उन दरिंदों को, उन दरिंदों को मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सामने ला करके कुत्ता बना करके तुम्हारे सामने मारूंगा हराम जा। इसके मतलब मेरी अधूरी बंधन पूरी तुम करोगे? हाँ बहन, खा कसम, खा कसम कि मेरी अधूरी बंधन को तुम पूरी करोगे तो मैं कानून के हवाले अवश्य हो जाऊंगी भैया। बहन गंगा, मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी अधूरा वचन सुने हैं मैं उसे पूरा करूंगा और तुम्हारे सामने ही जाकर के। अगर ये बात की भैया तो आज दिन भी अच्छा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए भैया आज रक्षा बंधन का दिन है। लाओ शौक से हाथ में मेरे हथियार डाल सकते हैं भैया, और आपके हाथों में आज रक्षा बंधन का दिन है, आपके हाथों में ये दंगा तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथ को सोना करेगी, इसलिए ये ले भैया मैं हद डाल दो Oh,
जैसे कि आप लोग को तमाशा बताया गया था, राखी और हथकड़ी, राखी और हथकड़ी, गंगा के बचन और खुदा को विक्रम सिंह। इधर देखो वही सीन आप लोग के सामने मौजूद है। इधर इंस्पेक्टर राजेश अपने बहन टापू गंगा के हाथों में हथकड़ी पहनाता है, उधर टापू गंगा अपने भाई यशपत्र राजेश के कलाई में राखी बांधती है। इसी को कहा गया है राखी और हथकड़ी, गंगा के बचन और खुदा को विक्रम से। भैया मेरी अधूरी वचन को तुम्हें पूरी करना पड़ेगा, जाओ दयालु सिंह को कुत्ते की तरह घसीटते हुए उसकी हवेली से लेकर मेरे चरणों में। बहन गंगा, मैंने आपसे वादा किया है ठाकुर को मैं कुत्ते की तरह घसीट कर तुम्हारे कदमों में लाके जाऊंगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या अचानक हमारे हवेली आने का मकसद क्या? तुम्हारे हवेली? हाँ, बड़े लोगों के यहाँ पुलिस वाले नहीं आएंगे तो क्या अब कौन आएंगे? समझ गया, सूट चमार थोड़ी आएंगे। समझ गया सर, बड़ा गरीबाओ चाय साथ के लिए चाय नाश्ता आदि किया जाए। चाय नाश्ता? मैं चाय नाश्ता करने के लिए नहीं आया हूँ। चौकीदार लगाइए ठाकुर साहब के हाथ में हथकड़ी और लग के चले साले सीधे। चलो हमारे साथ हवेली पर चलो, हम धोनी थे लग के चलो। ये बताओ आपकी, मैंने जो कहा था उसे आपके सामने हाजिर है। या साला जब छुटा आएगा सिंह कमीने, तुमने मेरे पिता को जान समाप दिए और तू अपनी हवेली में बैठा राज कर कमीने, आज समय आ गया कमीने, जिस तरह तूने मेरे बाप को मौत के घाट उतारा है उसी तरह भैया राजेश कमीने के मौत के घाट उतार दू। बहन गंगा, इसके खून से मैं आपके हाथ नहीं गंदे होना देखना चाहता, इसे मैं अपने हाथों से खुद मारूंगा। मुंशी रामलाल इसके कपड़े उतारा जा। ये तुम्हारी कपड़ा कपड़ा गंदा होगी, इनका पहनावे का। अरे पहनावो ढके सुंदर लागो और छुअर लियो तो छूर। ये क्या दूल्हा बनने जा रहा है? साहब हर जुआ था
जमींदार एक कविता सुनाएगा या कपड़े उतार मेरे पिताजी ने क्या गुनाह किया था जो हरामजादे उन्हें तुमने बेमौत मार दिया। राजेश मुझे माफ कर दीजिए, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा और गलती किया। बड़ा पहले तुम्हें मार कर दू, अरे तुझे मार कर दू आज के बाद। अरे तू जहरीला सांप है, तू जहरीला सांप है, किन बच्चों को तूने अनाथ कर दिया। मेरी बहन की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, ठाकुर साहब की बहन गंगा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भैया मेरी अधूरी वचन पूरी हो गई। हाँ बहन, अब मेरे पति को शांति आ गई होगी, इसलिए कि मैंने अपने स्वार्थ का तरह छोटे कसम खाई थी। जब तलक इन गरीबों को दुनिया से नहीं मिटाऊंगी, तब तलक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आज के बाद मेरे छके छके के कांटे खत्म हो। जय हो बलिदान देवता की। भैया यह हाथ करता फिरता है, बूढ़ा दादी काहे मारे खुशी मगाल पीछे जाते मुरली राम दत्त के पिछवाड़े गाड़ी भैया ये बताओ जो दयालु सिंह की लड़की अंजू है उसका और आपका कैसा संबंध है? उन्होंने प्यार कर सही कहता है बहन गंगा। जी गंगा देखो हमारी शादी करो। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आपकी बात कि तुम अंजू से बहुत प्यार करते हो। ठीक है सागर, मेरे भैया और मेरी भाभी की शादी कर दिया है।
लो सूर्या का घोर है, ताती को घोर है, बोलो शंकर भगवान की। जब तक रहे हुक्का पानी और सदा रहे तो का पानी खत्म हो गया तो हुक्का का पानी खत्म हो गया राज्य यही बहाने इनके घर जाएंगे इनके मेहरिया से हम बोलो सिया पतला नथिया नकीज। भैया राजेश दीदी देखो हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए। क्यों नहीं अब जो हमारे स्वामी जी कहे इनकी बातों को मानो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो क्योंकि कानून के हवाले हो गई भाभी हो गया। आज ये बताओ कि तुम्हारी मर्जी क्या है। बस अरे भाभी जी इनको अदालत ने माफ कर दिया है और क्या आज से हमारी दीदी हमारे सबके साथ है। ओ हो जो स्टूडियो में इन्होंने बहुत मेहनत किया है जो कि और हम चाहते हैं कि इस पार्टी को दूर तो जाएगी ही और कि इनका स्वागत है सर आज यहाँ आए हमारे इस स्टूडियो वाले और इसके लिए कुछ कहना है क्या नहीं है मेरे दोस्तों हमारे पार्टी